राउंड टेबल इंडिया खोटा इकाई द्वारा निर्धन बच्चों के लिए सुभाष नगर सरकारी विद्यालय में 3 कक्षों के निर्माण के लिए 6 मार्च से 8 मार्च तक राउंड टेबल क्रिकेट लीग आयोजित की जा रही है। राउंड टेबल इंडिया ट्राई के चेयरमैन सुमित अग्रवाल ने बताया है कि यह क्रिकेट लीग 3 दिवसीय चलेगी, जो कि उमेद क्लब ग्राउंड नयापुरा में आयोजित होगी। राउंड टेबल इंडिया के द्वारा एक राउंड टेबल क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। तो राउंड टेबल का मुख्य ऑब्जेक्टिव जो होता है वो पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी स्कूल है, जो निडी स्कूल है, वहाँ पे हम लोग क्लासरूम बिल्ड करते हैं। तो अभी तक 6,500 प्लस क्लासरूम्स ऑल ओवर इंडिया बिल्ड कर चुके हैं, जिसकी लागत लगभग 280 करोड़ रुपये प्लस है। इसी कड़ी में कोटा में हम लोगों ने लगभग 15 क्लासरूम्स, जिसकी लागत 90 लाख रुपये टोटल है, और 5 अलग अलग स्कूल्स में हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी इसके लिए हमें फ़ंड रेज करना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग हर साल कोई ना कोई इवेंट कराते रहते हैं। हम अभी हमारा जो आने वाला आगामी जो हमारा जो स्कूल है वो हमारा है सुभाष नगर में। वहाँ पे हम लोग 3 क्लासरूम्स और पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे 6 क्लासरूम्स हैं, लेकिन वहाँ पे क्लासेस